सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। एंड कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत यूनिक सा मेकअप लुक शेयर करने वाली हूँ। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा मेरा कि जब मैं अपने फेस पे एक माता रानी का गेटअप लूँगी, लुक लूँगी, तो सबसे पहले तो अपना जो भी सेटिंग वगैरह करना होता है वो कर ली हूँ। और बेस मेकअप के लिए मैंने प्राइमर लगा लिया था, देन उसके बाद हाईलाइट के ऊपर कंसीलर लगाया है, और कंसीलर लगाने के बाद अपनी जो भी नेचुरल साइड है उसे स्प्रेड कर मैं ब्लेंड कर रही हूँ अपनी ब्रश के हेल्प से। एंड रस्टी ऑरेंज टाइप का और रेड कलर का कुछ सेट वगैरह मैं अपनी अपर फेस पे लगा रही हूँ। एंड यहाँ पे ओवरऑल मैं अपनी आईलिड पे रेड कलर का ये और जो शेड है उसे ब्लेंड कर रही हूँ। एंड इसे ब्लेंड करने के बाद मैं इसे कंसीलर से वाइप करूँगी ताकि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट में जो लग गया ना वो थोड़ा सा इवन दिखे। और मैं सेंटर में भी लगा रही हूँ जहाँ पे मेरी आईलिड है, एंड देन आईब्रोज पे भी लगा रही हूँ। और ये देख सकते हो यहाँ पे ब्लेंड करने के बाद थोड़ा सा लुक अलग दिखेगा आपको। और ये जो भी शार्पनेस आएगी ना मेरी आईब्रोज में एंड इनर आउटर व्यू में तो बहुत अच्छा लगेगा। एंड जो मैंने लेट पे लगाया था ना सेंटर में जो कंसीलर, उसके ऊपर मैं ग्लिटरी शेड और शिमरी शेड लगा रही हूँ गोल्डन कलर का, ताकि तो वो मेरी साड़ी से मैच होता है, रहे थोड़ा कॉम्प्लीमेंट करता रहे। और पता ही है कि आप लोग को दुर्गा माता का जो आईज है ना वो सबसे बड़ा बिग रोल प्ले करता है किसी भी लुक में, तो उनकी तरह आईज बनाने के लिए मैंने अपने आईज को ज़्यादा विंग आईलाइनर लगाया है। और इसके बाद मस्कारा लगाने के बाद इसके आईलैशेज को थोड़ा मैं अपनी आईलैशेज को थोड़ा और इन्हेंस करूँगी बिगर दिखाने के लिए। और इसके बाद देख सकते हो मैंने अपना जो भी बीबी क्रीम है उससे मेकअप पे स्टार्ट कर दिया है। मैंने स्पेंस का बीबी क्रीम लिया था एंड ब्लेंडर के हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। देन ब्लेंडिंग के बाद टर्न आता है अपने फेस कंटूर का, तो मुझे अपने फेस पे थोड़ा सा कंटूर करना पड़ा क्योंकि मेरे फेस जो है ना वो राउंड शेप में है एंड थोड़ी सी चबी भी है, तो थोड़ा शार्प दिखाने के लिए मैं अपनी नोज और अपनी जो जॉ लाइन है उसे पतली दिखा रही हूँ। एंड आईब्रोज वगैरह शेप नहीं कराया था तो उसे अच्छे से फील कर चुकी हूँ। देन यहाँ पे मैं काजल लगा रही हूँ, और ये वाली काजल ना मेरी मोस्ट फेवरेट है क्योंकि इसका जो पिगमेंटेशन है ना बहुत ज़्यादा डार्क है और मेरी आईज वॉटरी है तो ये कभी भी वाइप नहीं होती। देन मैं अपनी इनर वी लाइन में थोड़ा सा आर्कनेस दिखाने के लिए और थोड़ा ये करने के लिए एक छोटा सा वी बना रही हूँ। एंड आईलाइसेस वगैरह अप्लाई कर चुकी हूँ, और यहाँ पे भूख भी लग रही थी, फास्ट में हूँ मैं तो थोड़ा सा बनाना भी खा रही थी। देन मैं ये ली हूँ लैक्मे एब्सोल्यूट का सबसे अच्छा वाला लिप शेड जो कि काफ़ी प्यारा रहता है, 9 to 10 आवर मतलब ऐसा कुछ रहता है इसका सेट, तो काफ़ी प्यारे से शेप में मैंने अपने लिपस्टिक को लगा लिया। एंड देन इसके बाद मैंने अपना हाइलाइटर वगैरह लगाया है। और यहाँ पे ना अब मेन टाइम आ रहा है कि अपनी आईज़ दिखाने का, जो थर्ड आई है ना देवी माँ का, तो वो दिखाने का। तो मैंने थोड़ा सा क्रिएटिविटी किया, सोचा कि DIY करूँगी, तो मैं टिश्यू पेपर का लेयरिंग करके एक टिश्यू पेपर से काफ़ी ज़्यादा फोल्ड मार के लेयरिंग किया। देन उसके बाद आई ग्लू लगा दिया, और आई ग्लू लगाने के बाद ना मुझे लगा कि ये जो आई है ना वो कुछ ज़्यादा ही ओवरऑल मतलब दिख रही है, थोड़ा पॉपअप हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो फेक है। बट मैं थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट में ना प्रो नहीं हूँ, और अभी तक मैंने कोई भी ऐसा मतलब कोर्सेज वगैरह नहीं किया, तो बहुत बचकाना वाला मैंने थर्ड आई बनाया था, मुझे खुद ऐसा लग रहा था। बट इट्स ओके, गलतियों से ही लोग सीखते हैं। तो मैंने अपना वो टिश्यू पेपर हटा के एक पेंट से ही मैंने लगा दिया, एंड देन सिंदूर भर मांग कर लिया। फिर उसके बाद टर्न आती है ज्वेलरी पहनने के, तो मैंने पूरी अपनी जितनी भी आर्टिफिशियल गोल्ड है मेरे पास वो सारी ज्वेलरी मैंने सोचा कि थोड़ा लेयरिंग करूँगी, ताकि मेरे पास जो भी लेयर वाली ज्वेलरी तो है नहीं, तो जितने भी गोल्ड है उसे लेयर करने के बाद एक अच्छा सा हैवी नेक दिखेगा, तो वो काफ़ी माता रानी का लुक आएगा। तो देखते हैं कैसा लगता है, अगर अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करके बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब। तेरे मंदिरों में माई मैंने ज्योत क्या जलाई, हो गया मेरे घर में उजाला, क्या बताऊं तेरे